हिस्ट्री की बात है। एक लड़का पारी माच फ्रेंच पेपर है, लाइफ मैगजीन की तरह बड़ी साइज है, वो लेके आया क्लास में। उसके सेंटर पेज के ऊपर इतनी बड़ी फोटो है, एक लड़की बैठी हुई है, उसका नाम था अनुष्का, जर्मन बिलियनर की लड़की थी, 18 या 19 बरस की उम्र, मौलाना हजर इमाम बेडिंग कॉस्ट्यूम में चड्डी पहनी हुई है, गॉगल्स पहने हैं और उसके घोड़े में सिर रख के मौलाना सोए हैं और कैमरा वाले ने फोटो ले ली। ये लड़का क्लास में लेके आया, मुझे बोलता है एक्सक्यूज मी मिस्टर सर, सी दिस व्हाट मौला बापा इज डूइंग। क्या डूइंग? अभी तक शादी नहीं की, वो लड़की के घोड़े में सिर रख के सो गए। मैंने बोला आर यू अफ्रेड ऑफ दैट? जवाब नहीं दिया, कहते ही से वर्ग मौला। मैंने उसको पूछा कि तेरे को ये पेपर किसने दिया, तू फ्रेंच तो नहीं जानता? कहते मैं एक फैमिली के अंदर पेइंग गेस्ट के तौर पे रहता हूँ, तो हर संडे वहां पादरी आता है, तो उसने वो पादरी ने मुझको दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं बोला देख, पादरी जब भी नेक्स्ट टाइम आवे तो ये पेपर उसको वापस देना और उसको कहना इट्स नॉट ए न्यू थिंग दैट आगा खान इज जस्ट रेस्टिंग इन द लैप ऑफ ए गर्ल। जीसस रेस्टेड इन द लैप ऑफ ए प्रोस्टिट्यूट। तो घबरा गया, ये चीज मैंने आंखों से नहीं देखी कि जीसस सोए हुए थे, उनकी किताबों में लिखा है, क्रिश्चियनों की किताबों में लिखा है, फोटो नहीं है। लेकिन हजरत जीसस ईसा अलैहिस्सलाम एक क्रॉस के खोड़े में सिर रख के सो गए, उसने उनके बालों में कंघी दी, तेल लगाया, कुछ खिलाया पिलाया भी होगा। ये जो नबी होते हैं, ये जो इमाम होते हैं, ये जो नूरी हालतों वाले, यानी जिनके अंदर खुदा का नूर होता है, हम कहते हैं होल्डर ऑफ द लाइट ऑफ गॉड, वो हीरे की तरह पवित्र होते हैं। दे आर प्योर, डू नॉट ट्रीट देम इक्वल टू यूर सेल्फ। वी आर डर्टी, वी आर सिनर्स, वी आर इम्प्रॉपर एंड इम्प्योर, दे आर प्योर। अगर नीचे मड और कीचड़ पड़ा है, आपके हाथ से हीरा गिर गया, तो उसको मड में से निकाल के पानी से धो डालो, वो पोल्यूट नहीं होता, खराब नहीं होता, कीमत गिरती नहीं, इट इज स्टिल ए डायमंड एंड प्योर एंड सच इज द सेम अमाउंट ऑफ इट्स प्राइस। लेकिन अगर आप रोटी खा रहे हो और वो रोटी उस मड में गिर गई, तो आप उस रोटी को धो के नहीं खा सकते, क्योंकि वो बिगड़ गई, हो सकता है मड के अंदर कोई गंदी चीज भी हो गई। इमाम को अपने जैसा मत समझो, इमाम को अपने जैसी ट्रीटमेंट मत दो। इमाम इज सुप्रीम एंड हायर एंड हायर। मौला हज़रत इमाम फरमाते हैं कि ये सारे ब्रह्मांड का ख्याल करो तो अल्लाह सुप्रीम है, हायर है इससे। 2000 यूनिवर्सेस का ख्याल करो तो अल्लाह उससे के भी ऊपर है, बियॉन्ड है। ये अल्लाह क्या है? अल्लाह नूर है। ये नूर मौलाना हजरत इमाम के अंदर है। हजरत इमाम की फिजिकल साइड को अपनी ख्यालों में मत लाओ, उसकी फिजिकल साइड और उसका जो नूर की साइड है, इनमें हमारी सफावत होनी चाहिए। नूर इज नूर। मौला की ये जो बॉडी है वो हमारी बॉडी जैसी नहीं, ऊंची है, आला है, पाक है। ये किसी पे हाथ रख देते हैं तो वो आदमी पाक हो जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान के अंदर कि अहले बैत रसूल के अंदर से तमाम खिलाजतें, हर किस्म की एबोमिनेशन जो है वो निकाल चुकी हुई है। दे आर प्योर, हर कंडीशन में प्योर है। वो किसी को हाथ लगाते हैं तो वो प्योर बन जाता है। इमामों की जो बॉडी है वो भी तमाम दुनिया के इंसानों से हायर है, अरफा और आला है बॉडी भी। उसके नूर की हालत तो देखो, तो वो तो खुदावंद आलमीन का नूर है। इसके लिए हजरत इमाम शाहपीर का जो दर्जा है उसको पहले समझने की
कोशिश करनी चाहिए कि ये शाहपीर जो होते हैं वो पाक होते हैं, फिजिकली भी पाक होते हैं। हमको तो ये कहा गया है रसूल ने कि तुम अली को देखोगे तो पवित्र बन जाओगे। हमको तो जिनानों में कहा है कि तुम मौला का दीदार करोगे तो पाक बन जाओगे। ये पाकीज़गी इंसान के विचारों में, ख्यालों में आती है कि उसके अंदर से एबोमिनेशन निकल जाती, शैतानपना निकल जाता है। वो झूठ बोलना, बदनजरी करना, जना करना, चोरी करना, खराबी करना, वो चीजें उसके दिमाग में से निकल जाती है।